छतरपुर से सटे ग्राम गौरैया में स्थित एक मंदिर के महंत ने दोपहर में 48 घंटे के लिए समाधि लेने का निर्णय लेकर मंदिर के पास बने एक गड्ढे में खुद को बंद कर दिया। महंत की समाधि की खबर आग की तरह फैल गई। जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और महंत को समाधि स्थल से बाहर निकाला गया। भरोसा दिया गया कि उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका त्वरित निदान किया जाएगा। नायब तहसीलदार संध्या अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौरैया में सिद्ध बाबा मंदिर के महंत कुछ कामना को लेकर 48 घंटे की समाधि में चले गए हैं। महंत ने गड्ढे में उतरकर ऊपर से पूरी तरह गड्ढे को बंद करवा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर अधिकारी पहुंचे, समाधि स्थल को खुलवाया गया, महंत नत्थू बाबा को बाहर निकाला गया। समाधि लेने के पहले महंत ने लोगों को बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें जन कल्याण के लिए समाधि लेने के लिए प्रेरित किया है। हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे समाधि लेने चले गए हैं। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा 2004, 2006 और 2008 में भी समाधि ली गई थी। पूर्व में 18 घंटे, इसके बाद 24 घंटे और अब वे 48 घंटे समाधि लेने का दावा कर रहे थे। हालांकि प्रशासन ने उनकी इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया और उन्हें समाधि स्थल से सकुशल बाहर निकाल लिया। बजरंगबली महाराज खुद कह रहे थे, क्या कह रहे थे आपसे? ये कह रहे थे कि मतलब तुम समाधि लो, तो कोई जनता नहीं जानती है कि ये स्थान है। हाँ। तो समाधि लो, तुम्हारे द्वारा प्रकट किया जाएगा ये मंदिर। फिर आप इसलिए समाधि पे गए थे? हाँ। आपका क्या था, कब तक समाधि से बाहर आने का था? 48 घंटा की थी, 48 घंटा की। पूर्व में भी आपने समाधि ली थी? पूर्व में भी समाधि ली थी? हाँ, पहले भी समाधि ली थी। फिर क्यों निकल आए थे आप? तभी जीवन से प्रेरणा से लगी थी। फिर क्यों निकल आए थे आप समाधि से? कब? जब पूर्व में आपने ली थी? कितने दिन के लिए ली थी आपने समाधि पूर्व में? कितने दिन के लिए ली थी? 48 घंटा की, तभी भी 48 घंटा की। एक ब्रेक थी 18 घंटा की, फिर एक ब्रेक थी 24 घंटा की, एक ब्रेक थी 48 घंटा की। 48 की जा। अभी कितना समय चल सका और आपको प्रशासन ने निकाल लिया है? का 4 घंटा हुआ, का हुआ निकाल लिया। क्या मांग थी आपको? क्या तय करके समाधि ली थी? भगवान से यही कहते थे ठीक है, तुम कुछ ना होगा, तुम ले लो समाधि से, हम ले लेंगे। जी मैडम, क्या सूचना लगी थी और किस तरह से? थाना प्रभारी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गौरैया में नत्थू कुशवाहा जी के द्वारा लगभग आज 2-3 बजे समाधि ले ली गई है। ग्राम में ही एक सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहाँ पे सूचना प्राप्त होते ही ग्रामवासी और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में बाबा जी को सकुशल बाहर निकाला गया। क्या बताया उन्होंने? अभी बाबा जी से बात नहीं हुई है कि किस अनुष्ठान के लिए बाबा जी ने समाधि ली थी। बाबा जी बाहर आ गए हैं, बात करते हैं बाबा जी से। क्या क्या इनका बताया जा रहा है? पूर्व में भी इनके द्वारा समाधि ली गई थी? इस टाइप की अभी तो कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अब बाबा जी से बात करते हैं कि क्या था, क्यों समाधि ली गई, जो भी समस्या है उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। क्या था इसके पीछे, क्यों उन्होंने समाधि ली? उद्देश्य अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है कि क्यों बाबा जी ने समाधि ली है। 4:30 बजे के आसपास पता चला कि ग्राम गौरैया में जो हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, वहाँ के जो पुजारी जी हैं, महात्मा जी हैं, नारायण दास जी, उन्होंने समाधि ले ली है। जैसे ही सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और SDM साहब को सूचना दी गई। SDM साहब के द्वारा राजस्व की टीम भेजी गई, पुलिस टीम आई और यहाँ पे जो समाधि स्थल था वो ढका हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से महाराज जी की जान जा सकती थी, उसको हटवाया गया और इसके बाद वो सकुशल उन्हें बाहर आ गए हैं।